हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे क्लीनअप के बारे में। क्लीनअप करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्लीनअप करने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या स्किन पे कब और कैसे क्लीनअप करनी चाहिए, क्लीनअप करने में कितने दिन का गैपिंग होना चाहिए, कौन से स्किन टाइप पे किस तरीके से क्लीनअप करना चाहिए, सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर होने वाली है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो आज सारी चीज़ें क्लीनअप से रिलेटेड क्लियर होने वाली है और क्लीनअप करवाने में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई स्किन पे साइड इफेक्ट नहीं तो नहीं होगा वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। इससे पहले मेकअप में जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका मेकअप काला पड़ जाता है, फट जाता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती है मेकअप से रिलेटेड, उसकी वीडियो अपलोड होगी तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड हुडी आइज पे कैसे आई मेकअप करना चाहिए, कैसे लाइनर लगाना चाहिए, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है तो वो भी जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है क्लीनअप कैसे करते हैं छोटी छोटी बारीकियों के साथ, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। आज मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन आ गई थी तो मैंने क्लीनअप करवाया है एंड काफ़ी फ्रेश दिख रहा है। तो अब भी आपको भी अगर कराना है क्लीनअप तो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। और जिनको भी क्लीनअप कराना है, जिनको भी स्किन पे पिंपल्स, ड्राई स्किन पे कैसे किस स्किन पे क्या सूट करेगा सारी चीज़ें, तो वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें करते हैं, वीडियो को जल्द से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे करना चाहिए क्लीनअप, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए। तो क्लीनअप करने के लिए आज मैं स्क्रब यूज़ करूँगी। एवरी यूज़ का स्क्रब बहुत हार्ड होता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसका उपयोग ना करें। आप कोई माइल्ड स्क्रब यूज़ कीजिए जिसमें दाने बहुत छोटे छोटे, एवरी यूज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड दाने होते हैं, अगर आप हार्ड हेयर से हैंड से करोगे तो आपकी स्किन छिल भी सकती है। बट मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा डेड स्किन आ गए थे तो मैंने ये वाला स्क्रब चूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ अपने स्टूडेंट से। तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्किन को अच्छे से गुलाब जल से भिगो लेंगे, क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्लीनअप स्टार्ट करने के लिए आपको ऐसे ही करना है, कैसी भी स्किन टाइप हो सबसे पहले आपको गुलाब जल से भिगोना है। एंड आपकी सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन के लिए ये वाला क्लींजिंग मिल्क बहुत अच्छा है, एलोवेरा वाला है, B1 का है, तो इसको इस तरीके से लेना है एंड पूरे फेस पे लगा देना है एंड इस तरीके से मसाज करना है। साथ के साथ मैं इनको सिखा भी रही थी तो मैंने सोचा इसका वीडियो भी शूट कर लिया जाए ताकि आप लोग को भी बताते रहूं। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस पे, गर्दन पे अप्लाई कर लेना है एंड मसाज करना है कुछ इस तरीके से जैसे ये कर रही हैं, इस तरीके से मसाज करना है ऊपर की तरफ, फिर ठोड़ी पे, नोज पे, सारी जगह पे अच्छे से मसाज करना है ताकि जो क्रीम है वो पूरे स्किन पे लग जाए और अपना वर्क कर पाए। साथ के साथ आप लोग मसाज करोगे तो जो भी डर्ट है, गंदगी है वो अच्छे से निकल पाएगा। उसके बाद हम लोग स्क्रब करेंगे। मैं यहाँ पे इनको बता रही थी कि ब्लैक हेड्स अक्सर हमारे नोज के आसपास होते हैं तो हमको नोज के आसपास में ज़्यादा ध्यान देना होता है। ओके, फिर आइज़ के नीचे इस तरीके से करना है, फिर पूरे आइज़ पे इस तरीके से घुमा के आपको मसाज करना है। ओके, इस तरीके से मसाज करना है और मसाज करते टाइम फिंगर आइज़ के ऊपर इस तरीके से इस वाली फिंगर से आपको अप्लाई करना होता है। रिंग फिंगर में हमारे प्रेशर बहुत कम पड़ता है जिससे हमारी आइज़ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको आइज़ के ऊपर का मसाज करते वक्त इसी उंगली से करना है। फोरहेड पे आपको कुछ इस तरीके से करना है, पूरा यहाँ से लेके और दूसरी साइड में यहाँ से लेके पूरा इस तरीके से करते करते जाना है और पूरा यहाँ तक आपको इस तरीके से फिंगर क्रॉस करते हुए फोरहेड पे मसाज करना है। ओके, इसी तरीके से आपको कस्टमर को भी अप्लाई करना है और इस तरीके से जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं वहाँ पे इस तरीके से मसाज करना है। साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे जिससे कि हमारे हाथों का मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए और मसाज अच्छे से कर पाए हम लोग। तो ये भी सिर्फ हम लोग स्किन की डर्ट को रिमूव कर रहे हैं क्लींजिंग मिल्क के थ्रू। कई लोग क्लीनअप में मसाज भी ऐड करते हैं, जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है वो क्लीनअप में मसाज भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑयली स्किन वाले आप मसाज ऐड मत कीजिएगा। मेरी स्किन ड्राई है बट मैंने भी मसाज ऐड नहीं किया है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं यहाँ पे और मसाज कराने में बहुत अजीब हो रहा था तो मैंने मसाज नहीं कराया था यहाँ पे। अपर लिप्स पे इस तरीके से मसाज करना है आपको, नोज के जो हमारा लाइन होता है लाफिंग लाइन वहाँ पे आपको मसाज करना ही करना है क्योंकि यहाँ पे हमारी रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। आइज़ के नीचे एंड आइज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से मसाज करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग कम से कम 5 से 7 मिनट तक करेंगे क्लींजिंग मिल्क वाला। 5 से 7 मिनट तक आपको क्लींजिंग मिल्क से अच्छे से मसाज करना है जिससे कि आपकी स्किन पे जितनी भी डर्ट है, गंदगी है सारी अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद इसको क्लीन करेंगे तो आराम आराम से बिल्कुल करना है। हाथों को बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है स्किन पे, दबाना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। ओके, कोई सा भी स्टेप है बिल्कुल जितना हल्के हाथों का यूज करोगे उतना ज़्यादा ग्लो अच्छा आएगा और गर्दन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
अब इस तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो डर्ट था, गंदगी थी, वो अच्छे से निकल चुकी है। ओके, नोज़ पे कुछ इस तरीके से साफ़ करना है, गर्दन के एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा स्क्रब का। स्क्रब क्लीनअप में मेन पार्ट है, स्क्रब के बिना क्लीनअप का कोई काम नहीं है, क्योंकि क्लीनअप होती है स्पेशली हमारे स्किन से ब्लैक हेड्स एंड डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। तो स्क्रब के लिए मैंने इसको आपको स्टार्टिंग में दिखाया ही, एवरी यूथ का स्क्रब है, बहुत हार्ड होता है। फिर से बोल रही हूँ, ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वाले एवरी यूथ का स्क्रब यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड दाने होते हैं, और सेंसिटिव स्किन वाले बहुत ज़्यादा लाइट हाथों से, बहुत हल्के हाथों से स्क्रब का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्क्रब ये ले रही थी, ढूंढ रही थी, सॉरी, ये ग्लिसरीन ढूंढ रही थी, क्योंकि ग्लिसरीन लगाने से क्या होता है, हमारे स्किन पे हीट मिलती है एंड ग्लिसरीन हमारे स्किन को डीप क्लीन करता है। तो अगर आपकी स्किन पे ऑयल है, पिंपल्स वाली स्किन है, तो ग्लिसरीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लेकिन ऑल स्किन टाइप पे आपको ग्लिसरीन ऐड करना है, क्योंकि हम लोग क्लीनअप करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्किन पे डेड स्किन है, ब्लैक हेड्स हैं, और स्किन रेड स्किन के साथ स्किन में डार्क पैचेस भी आ रहे हैं। तो ग्लिसरीन उन चीज़ों को रिमूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं एवरी यूथ का स्क्रब निकाल रहे हैं, इतना सा ले लेना है हमको। ओके, उसके बाद इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से पूरे फेस पे लगा देना है। ग्लिसरीन लगाने से पहले हमने चेहरे को अच्छे से गुलाब जल से भिगोया। उसके बाद हमको फिंगर टिप से मसाज करना है, हथेली का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तब ना तो अगर आपने हथेली का यूज़ किया तो पक्का है कि आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, इसलिए आप एकदम फिंगर का यूज़ करें, और बिल्कुल लाइट वेट से, बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है पूरे फेस पे। ओके, कुछ इस तरीके से मसाज करेंगे। अपर लिप्स पे भी, और आपको गर्मियों में, गर्मी हो ठंडी हो, आपको वीक में एक बार क्लीनअप कर ही लेना चाहिए, क्योंकि डेड स्किन हमारी स्किन पे आती रहती हैं, और ऑयली स्किन वाले तो वीक में एक बार कर ही लीजिए, ड्राई स्किन वाले 15 दिन पे भी करेंगे तो चलेगा, बट आप घर पे कर रहे हो तो आप ड्राई स्किन है तो भी आप एक वीक में एक बार कर लीजिए, क्योंकि क्लीनअप का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, ऑल स्किन टाइप होता है। तो क्लीनअप आपको हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार तो कराना ही कराना चाहिए, अपनी स्किन को हेल्दी, यंग और खूबसूरत बनाए रखने के लिए। इस तरीके से स्क्रब को मैं कर रही थी, साथ के साथ पानी ले लेना है, जिससे कि अच्छे से हो। और बिल्कुल ये मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया तो आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत हल्के हाथों से मैंने यहाँ पे करवाया था। इस तरीके से आपको मसाज करते रहना। स्क्रब का जो टाइमिंग है, कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, या फिर 10 से 15 मिनट में आप इसको रिमूव कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे मसाज कर रही हूँ, एंड फोरहेड पे भी, जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपको फोरहेड पे भी करना है, आईज के इधर साइड में ज़रूर करना है, इससे जो बहुत रिलैक्स फील होता है और आपकी स्किन पे ग्लो अच्छा आता है। वैसे मैंने मसाज स्टेप भी बताए हुए हैं, 7 स्टेप हैं जी, जो कि स्किन की फेशियल मसाज कराते टाइम ग्लो क्यों नहीं आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मसाज करना, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पे हमारी प्रेशर पॉइंट होती है, जो हमारी आईज को रिलैक्स करती है, तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके से मसाज देना है। आईज के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल इस तरीके से मसाज देना है। नोज पे करना है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कर रही हूँ। फिर से बोल रही हूँ, कोई ये कमेंट ना करे कि आप खुद तो इतना हार्ड करवा रही हो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं करवाया था मैंने, बल्कि वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया था, क्योंकि वीडियो हो गई थी 21 से 22 मिनट की, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया फास्ट करके, तो इसलिए ज़्यादा दिख रहा होगा। फिर मैंने यहाँ पे 15 मिनट तक स्क्रब कराने के बाद से इसको रिमूव करवा लिया। उसके बाद मैंने पैक अप्लाई किया था। पैक गर्मियों में बिल्कुल ज़रूरी है, सर्दियों में आप चाहो तो पैक छोड़ सकते हो, ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वालों को तो सर्दियों में भी अप्लाई करवाना है, लेकिन ड्राई स्किन है तो आप सर्दियों में अगर क्लीनअप करा रहे हो तो पैक छोड़ भी सकते हो, उसकी जगह आप हल्का सा कोई मसाज क्रीम लगवा सकते हो, लेकिन गर्मियां हैं तो डेड स्किन बहुत तेज़ी से आ रहे हैं स्किन पे, और लग रहा है स्किन जल रही है धूप के वजह से, गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा हीट हो रही है, तो पैक लगाएंगे जिससे कि फेस हमारा ठंडा पड़ेगा और ग्लो भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने B1 का गोल्ड फेस पैक लिया था, तो इतना सा फेस पैक ले लिया, पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। इनको अप्लाई करना नहीं आता था इसलिए उन्होंने ऐसे अप्लाई कर दिया था, बट मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि फेस पैक कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप देखिएगा। तो इन्होंने गर्दन से स्टार्ट कर दिया था, बस आपको फेस से अप्लाई करना है एंड लगाना ऊपर की तरफ से ही है, इस तरीके से,
क्योंकि हमारी स्किन जो होती है वो नीचे को लटकती है, इसलिए आप ऊपर की तरफ फेस पैक लगाओगे तो वहाँ पे आपकी स्किन को होल्ड करेगी और आपकी स्किन टाइट रहेगी, लूज नहीं पड़ेगी जल्दी। तो पूरे फेस पे अच्छे से फेस पैक को अप्लाई कर लेना है और इसको सूखने तक वेट करेंगे। सूखने के बाद इसको रिमूव कर देंगे। तो पूरा अच्छे से अप्लाई कर लिया, अब इसको सूखने देंगे। 10 से 15 मिनट में इजीली सूख जाएगा, गर्मियों का टाइम है तो 5-7 मिनट में भी सूख जाएगा, ठंडियों में 10-15 मिनट लग जाता है। तो इस तरीके से मैंने लगवा लिया था एंड मैंने 15 मिनट तक वेट किया, उसके बाद ये अच्छे से ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद इसको रिमूव करवा लिया, हल्के पानी से गीला करके पूरे फेस पे मसाज किया। कभी भी फेस पैक उतारते टाइम फेस पैक को मसाज करके ढीला कर लूज कर लेना है, उसके बाद रिमूव करना है। डायरेक्ट ही रिमूव करोगे तो फेस पैक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रिमूव करने से जो हमारी स्किन पे वर्क किया था इसने वो ख़त्म हो जाता है और स्किन वापस से लूज पड़ने लगती है। तो इस तरीके से मैंने इसको रिमूव करवाया था और काफ़ी अच्छा स्किन पे से जितनी भी डेड स्किन थी वो बहुत ईजिली रिमूव हो गई थी। तो आई होप कि आपको क्लीनअप से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो टॉपिक पे ज़रूर बता पाऊँ कि किस कोई चीज़ रह गई। वैसे मेरी तरफ से तो मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें बता दूँ आपको, अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में आपको गुलाब जल से पूरे फेस पे स्प्रे करना है, 2 मिनट छोड़ना है और बिल्कुल टैप टैप करके इस तरीके से पोंछ लेना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्लीनअप कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे स्टेप होते हैं, कैसे करवाना चाहिए सारी चीज़ें। एंड मैंने भी क्लीनअप करवाया है, बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो गई थी, बहुत ब्लैक पैचेस पड़ गए थे स्किन पे और काफ़ी क्लीन दिख रहा है, आज ही करवाया। और क्लीनअप करवाते टाइम कई लोग ये भी पूछते हैं कि मैम क्लीनअप जैसे हमको अभी मेकअप करना है तो हम क्लीनअप कर सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि क्लीनअप आपकी स्किन को रेडी करता है मेकअप के लिए, ना कि जैसे फेशियल होता है तो फेशियल में आपको 2 दिन का टाइम होता है, बट क्लीनअप आप तुरंत भी करा सकते हो। क्लीनअप आपकी स्किन से डेड स्किन को निकालता है एंड आपका क्लीन सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, और मेकअप सॉफ्ट स्किन पे करोगे तो ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है। तो अगर आपको मेकअप कराना है और अभी आपके पास टाइम नहीं था, आपने नहीं आ पाए और मेकअप कराने से 1 घंटे पहले ही आए हो, तो आप क्लीनअप करा के अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।